हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम आर एस अग्रवाल एंड आर डी शर्मा चैप्टर ट्रायंगल, एंड इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन 2021। स्टूडेंट्स, टेंथ के आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपको विभिन्न बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेगा, इस प्रकार का या यही क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, सामने फिगर दिया है, लाइन सेगमेंट एक्स वाई पैरेलल है टू साइड एसी, एबीसी में से तीन साइड में से एसी के सिमिलर सॉरी पैरेलल है एक्स वाई, एंड इट डिवाइड्स, ये डिवाइड करता है ट्रायंगल को टू इक्वल एरिया में, टू पार्ट ऑफ इक्वल एरिया। तो आपको ए एक्स, ओके स्टूडेंट, ए एक्स एंड रेशियो ए बी, ये दिखाना है टू माइनस रूट टू रेशियो टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी एक्स वाई पैरेलल ए सी, इट इज गिवन, and if xy parallel AC then angle BXY equal to angle BAC, corresponding angles, and also angle BYX equal to angle BCA, this is also corresponding angles. Now in triangle BXY and triangle BAC, okay, angle BXY equal to angle BAC, angle BYX equal to angle BCA, angle B equal to angle B, so these two triangles BXY, okay, similar हो गया triangle BCA by AA, A similarity। स्टूडेंट्स, इससे आगे बढ़ते हैं, एरिया एज यू नो कि अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो एरिया जो है एरिया का तो यहां जरूरत नहीं है, यस एरिया का यूज आ रहा है, जरूरत भी है, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, एज यू सी की टू पार्ट्स में बांटता है, तो बी एक्स वाई का एरिया इट इज गिवन, ओके, कि एक्स वाई जो है डिवाइड्स ट्रायंगल एबीसी इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल इन एरिया, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई ये हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ होल ट्रायंगल एबीसी, ओके, दैट मींस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ यू सी कि बी एक्स वाई एंड बी ए सी आर सिमिलर, सिंस ट्रायंगल बी एक्स वाई सिमिलर ट्रायंगल बी ए सी, एंड एज यू नो कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी is equal to, okay, BX by BA, that means AB whole square. But you see, if BXY or ABC, ये ABC है, इसका value 1/2 है. Now you see, the area of triangle BXY by area of ट्रायंगल एबीसी
equal to 1 by 2. Okay, it is given from equation first. From equation first. और यहां से देखिए इसका वैल्यू पी एक्स वाई बी एक्स वाई ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर. अब जब होल स्क्वायर आप रिमूव करोगे तो आएगा बी एक्स बाई ए बी इज इक्वल टू 1/√2 और हमें लाना है ए एक्स और ए बी. ओके तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड फ्रॉम 1. ओके सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स फ्रॉम 1 यानी 1 से नॉट 1 को सब्ट्रैक्ट करना 1 माइनस बी एक्स बाई ए बी क्योंकि ए बी रहना है 1 माइनस 1/√2. अब देखो यहां से 1/1 कर दिया तो ए बी माइनस बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू √2 माइनस 1/√2. ओके यहां से आप रेशनलाइज कर दो. ओके ये √2 से मल्टीप्लाई √2 से मल्टीप्लाई. यहां देखिए ए बी में बी एक्स निकल गया ए बी में से बी एक्स निकल गया तो ए एक्स अपॉन ए बी और ये 2 माइनस √2 बाय 2. अब आप देखिए ए एक्स रेशियो ए बी तो ये हमारा आ गया ए एक्स रेशियो ए बी इज इक्वल टू 2 माइनस √2 रेशियो 2 माइनस √2 रेशियो 2. सो स्टूडेंट्स जस्ट जो आपने देखा सॉल्यूशन ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में अल्टरनेटिवली एवरी ईयर तो नहीं बट 1 ईयर अल्टरनेट करके पूछता है. स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन ए साइड ऑफ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स हाइपोटेन्यूज. स्टूडेंट्स राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल विथ वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल. जस्ट आई एम मेकिंग वन ऑफ द फिगर ऑफ राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल. दिस टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल. हियर दिस टू साइड्स ओके ए बी सी लेट ए बी एक्स बी सी एक्स एंड एंगल बी 90. ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट ए बी सी बी ए राइट आइसोसेलस ट्रायंगल. ओके इन विच AB equal to BC equal to X and angle ABC equal to 90. Two equilateral triangle, one of its hypotenuse and one of the other any of two sides. हमने ले लिया कि AC पर जो hypotenuse पर जो बना ACF ए बी पर जो बना ए बी ई. ओके टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ए का ए सी एफ एंड दूसरे का ए बी ई आर डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स hypotenuse AC and side AB. Okay. To prove, यहां आप मान लीजिए give है. Okay, give है. And to prove क्या हो जाएगा area of triangle ABE
इज 1 बाय 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। स्टूडेंट्स एज यू नो कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स एज इन ट्रायंगल प्रूफ। इन ट्रायंगल ए बी सी ओके ए सी इक्वल टू एंगल ए बी सी 90 डिग्री therefore AC square equal to AB square plus BC square यानी X square plus X square AB BC दोनों X है 2X square so AC क्या हो गया under root 2X square यानी root 2 और X bar। now as you know कि two equilateral triangles are always similar since ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए बी सी नो ए बी ई ए बी ई एंड ट्रेंगल ए सी एफ बींग ईच ऑफ इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रेंगल देयरफॉर क्या हो जाएगा they are equiangular these two triangles are equiangular that means angle EAB angle EAB equal to angle AEB equal to angle AB EBA equal to 60 degree and angle FAC angle FAC equal to angle FCA plus angle AFC ये भी 60 degree तो ये दोनों triangle equiangular है therefore क्या हो जाएगा triangle ABE is similar to triangle ACF okay by AAA similarity AAA similarity As you know students कि ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding side as we know that the ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of square of their corresponding sides whereas these two triangles are similar therefore kya ho jayega since Once again लिख रहे हैं ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल ए सी एफ देयरफॉर इनके एरिया के रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इज इक्वल टू साइड ए बी corresponding side and corresponding side AC whole square अब देखिए ABAC का relation AC root 2x and ABX x by root 2x whole square ये आ जाएगा 1 by 2 cross multiplication करेंगे area of triangle ABE यह आ जाएगा 1 by 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ ओके सो जस्ट स्टूडेंट्स जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंगली प्रूव करना था आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू 1 बाई 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ
और आपने देखा कि किस तरह से आपको सॉल्यूशन देना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। इन द गिवन फिगर PA QB RC are perpendicular to AC such that PA X RC Y QB Z, prove that 1 by X plus 1 by Y equal to 1 by Z। देखिए PA X है, QB Z है, RC Y है, PA QB RC सारे perpendicular AC पर, तो प्रूव जो करना है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए गिव है ओके AP परपेंडिकुलर AC, QB ओके QB परपेंडिकुलर AC एंड RC आल्सो परपेंडिकुलर AB। AP इक्वल टू कितना? AP इक्वल टू X, QB इक्वल टू Z और RC इक्वल टू Y। आप क्या करो, नीचे वाला जो है ना पार्ट AB और BC, इसको ए और बी मान लो। लेट ओके ए बी ए एंड बी सी इक्वल टू बी, दैट मीन्स ए सी हो गया क्या ए प्लस बी। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, 1 by x plus 1 by y equal to 1 by z। बारी बारी से क्या करेंगे, एक बार ए सी पी और बी सी क्यू को सिमिलर बनाएंगे, क्योंकि एक एक राइट एंगल हो जाएगा और एक कॉमन हो जाएगा। फिर इधर से ए बी क्यू और ए सी आर को, क्योंकि एक एक उसी तरह से सिमिलरली राइट एंगल और कॉमन एंगल। तो हम चलते हैं ए सी पी और बी सी क्यू में। इन ट्रेंगल ए सी पी एंड ट्रेंगल बी सी क्यू, जिसमें क्या हो जाएगा, ए सी पी एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल बी सी क्यू, ये कॉमन एंगल। अनदर क्या हो जाएगा, एंगल सी ए पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, ये 90 डिग्री। सो ट्रेंगल ए सी पी क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रेंगल बी सी क्यू, कहां से, बाय ए ए सिमिलरिटी। और यहां से क्या आएगा, ए सी तो लेना नहीं है, एपी बाय बी सी, एपी बाय बी सी इक्वल टू सी पी पी सी ओके, ये रहा ए सी ओके, ए सी बाय बी सी। इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, एपी का वैल्यू कितना है, एपी तो एक्स है और बाय बी सी कितना है, ओके एपी बाय बी क्यू, बी क्यू कितना है, बी क्यू है आपका जेड इक्वल टू ए सी कितना है, ओ ए सी ए प्लस बी, बाय बी सी क्या है, बी सी है बी, बी सी यहां माना है बी, ये दोनों को उलट दीजिए ओके, ए प्लस बी, ये जेड बाय एक्स इक्वल टू बी बाय ए प्लस बी ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली देखिए, अब ए सी पी और बी सी क्यू, ए सी पी बी सी क्यू हो गया, इसके बाद आते हैं सी ए आर और सी बी क्यू। इन ट्रेंगल सी ए आर और सी बी क्यू, इन ट्रेंगल सी ए आर एंड ट्रेंगल सी बी क्यू। यहां से देखिए सी ए आर और सी ये बी ए क्यू, सी ए आर और बी ए क्यू, सी ए आर एंड ट्रेंगल बी ए क्यू, जिसमें बी ए क्यू और सी ए आर कॉमन है, एंगल सी ए आर एंगल बी ए क्यू ओके, ये कॉमन एंगल। अनदर क्या हो जाएगा, अनदर हो जाएगा ए सी आर और ए बी क्यू, ए सी आर, ए सी आर इक्वल टू एंगल ए बी क्यू, बोथ 90 डिग्री। तो ट्रेंगल सी ए आर और बी ए क्यू क्या हो जाएगा, ट्रेंगल सी ए आर और बी ए क्यू जो है सिमिलर ओके, देयरफॉर
ट्रेंगल सी ए आर और बी ए क्यू, ट्रेंगल सी ए आर सिमिलर ट्रेंगल बी ए क्यू, और ये भी बाय ए ए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, और यहां से क्या आएगा सी ए यानी ए सी बाय ए बी इक्वल टू ए आर नॉट सी आर बाय बी क्यू। तो ए सी देखिए ए से सी तक यहाँ है ये ए और ये बी है, ओके ए बी को माना ए, तो ए सी हो गया ए प्लस बी बाय ए बी मतलब ए इक्वल टू सी आर कितना है सी आर वाई बाय जेड। वंस अगेन इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए ए प्लस बी इक्वल टू जेड बाय वाई। अब क्या करना है एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, देखिए क्या आएगा वन में है आपका एक्स बाय जेड, एक्स बाय जेड प्लस ओके एक्स बाय जेड और ये हो जाएगा आपका वाई बाय जेड, ओके जस्ट जेड बाय एक्स नोट एक्स बाय जेड, जेड बाय एक्स है जेड बाय एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा जेड बाय वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाय ए प्लस बी और प्लस ए बाय ए प्लस बी। ठीक है यहां से क्या आएगा जेड कॉमन तो ये वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई, यहां से एलसीएम आएगा ए प्लस बी और ऊपर बी प्लस ए ये कैंसिल हो गया और यहां से वन बाय एक्स प्लस वन बाय वाई इक्वल टू देखिए ये वन है और जेड को राइट साइड में लाए तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। ओके स्टूडेंट्स सो जस्ट यू हैव शोड दैट हाउ द क्वेश्चंस हैड बीन कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर है यहां दिया इन गिवन फिगर PA, QB, RC and S all are perpendicular to a line L. AB 6, BC 9 cm, CD 12 cm and SP 30, SP, this is 36 cm. And you have to find PQ, QR and RS. So first of all given लिखते हैं, given में क्या है PA perpendicular line L, QB perpendicular line L, RC perpendicular line L, SD perpendicular line L, AB 6 cm, BC 12 cm, 9 cm, CD 12 cm and PS equal to 36 cm. Okay, to find root तो नहीं करना है, to find length of line segment PQ, QR and RS. Okay. As we know कि all line segments which are perpendicular to the same line are parallel to each other. Okay? We know that perpendiculars, not one perpendicular, perpendiculars on the same line are parallel to each other, are parallel to each other. Okay, since PA perpendicular L, QB perpendicular also L, RC perpendicular L and SD also perpendicular L. So PA parallel QB parallel RC parallel SD. Okay?
Now we use intercept theorem or by basic proportionality theorem for these four lines. So by basic proportionality, okay, theorem क्या आएगा? PQ ratio, QR ratio RS is equal to AB ratio BC ratio CD as per its intercept theorem, okay? As per कह सकते हैं intercept theorem, इसको basic proportionality theorem के द्वारा हमने जो है वह प्रूव करके दिखाया था। तो यहां से हमें क्या मिला, ए बी का वैल्यू तो है ही दिया हुआ, ए बी है 6 cm, रेशियो 9 cm, रेशियो 12 cm, सभी का cm कैंसिल और सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 के टेबल से सभी जाएगा, 3 2 जा, 3 3 जा और 3 4 जा। और इस आधार पर हमारा क्या आएगा, पी क्यू को आप 2x ले लो, लेट PQ हो गया 2x, QR equal to 3x and RS equal to 4x. Now PS का लेंथ 36 cm है, PS means PQ plus QR plus RS equal to 36 cm, यानी 2x plus 3x plus 4x 36 cm, 2 3 5 4 9x 36 cm, सो x का वैल्यू 9 4 जा 4 cm। नाउ वी हैव टू फाइंड PQ, QR, RS। तो PQ हमारे पास कितना है, 2x। नाउ PQ, ओके, 2x 2 × 4 cm यानी 8 cm, PQ के आफ्टर QR, QR 3x, 3 × 4 cm 12 cm एंड देन RS, RS इक्वल टू 4 × 4 cm, 4x है, ओके, 4 × 4 cm यानी 16 cm एंड यू सी द सम इज 36 cm। हेंस यू हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू क्यू आर आर एस ऑन दैट वे। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ओके, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एन एस क्यू ट्रैंगल इज कंग्रुएंट टू ट्रैंगल एम टी आर, ओके, हेयर एम टी आर एन एस क्यू, एन एस क्यू टू ट्रेंगल्स आर कंग्रुएंट, देन प्रूव दैट ट्रेंगल पी टी एस, ट्रेंगल पी टी एस इज सिमिलर टू, इज सिमिलर टू ट्रेंगल पी आर क्यू, ट्रेंगल पी आर क्यू, पी टी एस, पी आर क्यू, ओके, गिवन लिखते हैं, गिवन क्या क्या दिया है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिया है, ट्रेंगल एन एस क्यू इज कंग्रुएंट टू ट्रेंगल एम टी आर, टू प्रूव ट्रेंगल पी टी एस, ओके, सिमिलर इज सिमिलर टू ट्रेंगल पी आर क्यू। स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू प्रूफ एज यू सी बाय कंग्रुएंट, ओके, कंडीशन एन एस क्यू एम टी आर, सिंस ट्रेंगल एन एस क्यू इज कंग्रुएंट ट्रेंगल एम टी आर, तो देखिए यहां से एम टी आर और एन एस क्यू, यहां से टी आर और एस क्यू जो करस्पॉन्डिंग साइड से है, एस क्यू इक्वल टू टी आर, ओके, क्योंकि सीपीसीटी से ऐसा
यानी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अनदर आएगा देखिए, ये टी एम आर, आर टी एम, टी आर एम जो भी है, इसमें एंगल फोर है जो इक्वल आ जाएगा एन एस क्यू एंगल थ्री के। ऑल्सो एंगल थ्री एंगल फोर क्या हो जाएगा, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, ये आ जाएगा आपका सीपीसीटी से। स्टूडेंट्स देखिए, पीएसटी में वन और टू इक्वल है इन ट्रायंगल पीएसटी, ओके, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, सो साइड एंगल वन के अपोजिट पीटी और साइड टू के अपोजिट पीएस, ये इक्वल होगा। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, तो पीटी और पीएस इक्वल हो गया और एस क्यू टी आर इक्वल, ओके, पीटी टी आर, पीटी टी आर, टी आर इक्वल एस क्यू, टी आर इक्वल एस क्यू प्रूव्ड अबव से, तो आप इसको प्लस कर सकते हो। देन क्या हो जाएगा, देन हेयर, ओके, टी आर इक्वल टू एस क्यू एंड पी टी प्लस टी आर, पी टी प्लस टी आर इज इक्वल टू, देखिए पी एस प्लस एस क्यू, देखिए पी टी टी आर मिलके क्या आ जाएगा, पी टी टी आर पी आर और पी एस एस क्यू मिलकर के पी एस प्लस एस क्यू पी क्यू। आप यहां लिख सकते हो क्या, सिंस पी टी पी एस के इक्वल है एंड टी आर इक्वल टू एस क्यू, दैट्स वाई ये प्लस ये, ये प्लस ये इक्वल टू ये प्लस ये। नाउ वी हैव, लिख सकते हैं कि पी एस बाय पी क्यू, ओके, दिस इज इक्वेशन, मान लीजिए टू एंड पी एस, ओके, पी एस इक्वल टू पी टी, पी एस इक्वल टू पी टी, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू से पी एस इक्वल टू पी टी, दिस इज इक्वेशन वन। नाउ देखिए पी आर बाय पी टी, ओके, पी आर बाय पी टी, यस, पी आर बाय पी टी, यहां इक्वेशन फर्स्ट में है पी आर बाय पी टी, ओके, ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय टू, टू बाय वन, तो क्या आ जाएगा पी आर बाय पी टी, ओके, पी आर बाय पी टी और वन बाय टू दे दीजिए, वन बाय टू, तो वन है पी टी, ओके, पी टी बाय पी आर, पी टी बाय पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस बाय पी क्यू, पी एस बाय पी क्यू, ओके, पी एस बाय पी क्यू। नाउ इन ट्रायंगल, अब देखिए इसको सिमिलर करना है पी टी एस और पी आर क्यू, ओके, इन ट्रायंगल पी टी एस एंड ट्रायंगल पी आर क्यू, इन बोथ ट्रायंगल एंगल पी आर कॉमन, एंगल पी इक्वल टू एंगल पी कॉमन हो गया, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स पी टी बाय, पी टी बाय पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी बाय पी आर, पी एस बाय पी क्यू, पी एस बाय पी क्यू, ओके, ये प्रूव्ड से, तो एस ए एस से ट्रायंगल पी टी एस इज सिमिलर ट्रायंगल पी आर क्यू बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। स्टूडेंट्स जस्ट आई हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज में,
कुछ चुनिंदा आरएस अग्रवाल आरडी शर्मा से रिलेटेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके लिए लाते हैं, और ऐसा एज माय एफर्ट टू यू स्टूडेंट्स कि इजियर बना करके आपके लिए इंट्रोड्यूस करना। अन्य जो काम है वह आपका, आप रेगुलरिटी के साथ इनका स्टडी करें और आप अपने अग्रिम ऊंचाई सफलता को आने वाले एग्जामिनेशन के लिए स्थापित करें। फॉर दैट आई एम थैंकिंग फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।